नावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन का समाधि पाद पढ़ रहे हैं हम, और इसमें प्रसंग चल रहा है चित्त को कैसे हम प्रसन्न और निर्मल बनाएं। तो यहाँ पर एक उपाय बताया कि चित्त में ना अलग अलग विचार भावनाएं आने से चित्त दूषित हो जाता है, तो उनको हटाने के लिए तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, चित्त को एकाग्र करने का, समाहित करने का यत्न करना चाहिए। फिर बताया मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इन भावनाओं से भी चित्त की प्रसन्नता बनती है, चित्त निर्मल होता है, प्रसन्न होता है। और अगला उपाय बताया प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्राण के प्रच्छदन और विधारण से भी चित्त प्रसन्न होता है। पीछे से वो ही आ रहा है चित्तस्य प्रसादनम, पिछले सूत्र से चित्त की प्रसन्नता, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो चित्त का प्रसादन प्राण के प्रच्छदन और विधारण से भी होता है। कोष्ठस्य वायो नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम विधारणम प्राणायाम, इसको प्राणायाम कहते हैं। एक तो प्राण हमारा अभी सामान्य गति से चल रहा है सबका, हम कोई भी काम कर रहे हैं, श्वास आ भी रही है जा भी रही है, हम कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, ना तो लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और ना तो छोड़ने के लिए, तो ये एक रिदम में चल रहा है प्राण हमारा। लेकिन इस रिदम को तोड़ करके अलग गति से जब हम लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं तो उसको क्या कहेंगे, प्राणायाम, वो फिर प्राणायाम हो जाता है। सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं उसको प्राणायाम नहीं कहेंगे, वो सबकी सांस एक गति से चल रही है, एक रिदम में चल रही है। लेकिन जब हम उसी श्वास को छोड़ते समय ऐसे छोड़ा हमने, तो विशेष प्रयास किया ना, वो जो सामान्य रिदम था उसको तोड़ दिया हमने, ब्रेक कर दिया, और जब हमने ऐसे लिया तो लेने वाले रिदम को भी तोड़ दिया। तो जो अंदर ले रहे हैं इसको तो कहा विधारण, और जो बाहर छोड़ा उसको प्रच्छर्दन। प्रयत्न विशेषात, प्रयत्न विशेष से जब वमन किया, वैसे सामान्य रूप से तो वमन हो ही रहा है, एक श्वास आ रही है एक जा रही है, पर प्रयत्न विशेष करके जब श्वास को बाहर छोड़ा हमने तो उसको क्या कहेंगे, प्रच्छर्दन। और फिर उसी गति से अंदर भी आती है, जिस गति से आपने छोड़ा है उसी गति से अंदर आती है श्वास, तेज गति से छोड़ा तो तेजी गति से अंदर आएगी उसको। इस प्रक्रिया को, एक सामान्य प्राण की जो गति है उसको ब्रेक करके जो भी विशेष गति से प्राणायाम, जो प्राण का अंदर बाहर होना है उसको प्राणायाम कहते हैं। तो ये अनुलोम विलोम में भी ऐसे ही होता है, कपालभाति में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि अनुलोम विलोम में भी हम गहरा भरते हैं तो सामान्य से अलग हो गया ना ये, तो इन सब को क्या कहेंगे, प्राणायाम। क्योंकि पीछे एक भूत विवाद चला था कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है, तो ये जो महर्षि पतंजलि की जो परिभाषा है इसको देखते हुए, और जो व्यास ऋषि ने व्यास भाष्य किया, प्राणायाम किसको कहा इन्होंने, प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम विधारणम प्राणायामः। तो इस पंक्ति को कोट करके फिर उसका समाधान करना पड़ा, तो व्यास जैसे कह रहे हैं ना, प्रयत्न विशेष से कपालभाति में क्या करते हैं, प्रयत्न विशेष से तो छोड़ते हैं,
ये प्रयत्न विशेष तो है, तो प्रयत्न विशेष से प्रच्छर्दन करना, वमन करना और फिर धारण करना, तो इसी को तो प्राणायाम कहते हैं। तो यही तो क्रिया कपालभाति में होती है। तो इसलिए फिर कपालभाति को भी अब प्राणायाम में ले लिया, काफी झगड़ा चलने के बाद, बहुत उसका काफी लंबा चला। दूसरा, प्राणायाम करने से चित्त कैसे निर्मल हो जाएगा? तो जो अभी हमने वेदांत में पढ़ा था कि ये सारी वीकनेस किसकी हैं, प्राण की ही हैं, जो हम थोड़ी थोड़ी देर में विचलित होते हैं, सह नहीं पाते हैं, उद्विग्न होते हैं, कुछ भी प्रतिकूलता हमारे सामने आते ही, तो ये सारी वीकनेस प्राण की ही हैं, प्राण के कारण ही ये सारी एक्टिविटी हो रही है हमारी, ब्रेन में भी, इंद्रियों में भी, तो सब प्राण के, प्राण ही तो मूल, सारी प्रवृत्तियां किसके आधार पे हो रही हैं, प्राण के आधार पे। और प्राण निकल जाए तो कोई भी प्रवृत्ति होगी क्या? मस्तिष्क सोच पाएगा क्या प्राण निकलने के बाद? नहीं सोच पाएगा। हाथ पैर आंख नाक कान, जो भी प्रवृत्तियां जिस भी इंद्रिय से हो रही है, यहाँ तक कि मन से भी, तो सारी प्रवृत्तियां, चाहे वो इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति है, चाहे अंतःकरण की अंतः प्रवृत्तियां हैं, उन सब का आधार प्राण ही है। तो प्राण, जैसे प्राण में आती हैं सबसे पहले अशुद्धियां, राग द्वेष कामनाएं क्षुद्रताएं, ये सारी प्राण में ही रहती हैं, इंद्रियों में नहीं होती हैं। तो प्राणायाम करने से वो सारी बाहर निकल जाती हैं, और प्रत्यक्ष कोई भी करके देखता है। तो इसके अब कितने उदाहरण तो योग ग्राम में है। प्राणायाम करने से रोग कैसे ठीक हो सकते हैं? रोग तो शरीर में रहते हैं ना। तो प्राणायाम करने से पहले विचार ठीक होता है, भाव ठीक होता है, मन ठीक होता है, और उनके ठीक होने से शरीर तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि बीमारी पहले सूक्ष्म रूप में आती है, विचार में आती है, भावों में आती है, चित्त में आती है, मन अप्रसन्न होता है किसी भी कारण से, या कुंठित होता है मन, तनावग्रस्त होता है मन, तो फिर कोई ना कोई बीमारी 5-6 महीने में अभिव्यक्त हो ही जाएगी व्यक्ति को। और यदि वो मन के बहुत प्रशांत अवस्था में कोई व्यक्ति जीता है, कोई तनाव नहीं है, व्यक्ति अंतर्द्वंद्व में जीता है, और यहाँ तक कि सन्यासी ब्रह्मचारी साधक भी, क्योंकि उनको क्या लगता है, जो काम उनके सामने उनसे करवाया जाता है उसमें मन नहीं लगता है, और जो करना चाहते हैं ध्यान भजन आदि, उसके लिए टाइम नहीं मिलता है, तो किस में जीता है वो व्यक्ति? कुंठा में जीता है, अंतर्द्वंद्व में जीता है। अंतर्द्वंद्व में जी रहा है तो 6 महीने के बाद बीमारी आ ही जाएगी फिर निश्चित रूप से। तो प्राणायाम करेगा तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगी कुंठा। तो प्राणायाम करने लग जाओ 1.5 घंटा 2 घंटा, तो विचार में से वो निकल जाएगा फिर, तो पता लगेगा कि मैं तो साधना कर ही रहा हूं। इसी को ही व्यक्ति साधना समझ लेगा, उसका चित्त स्थिर होने लगेगा, प्राण पवित्र होने लगेगा, तो फिर उसको इस काम में भी पूजा जैसा ही लगने लगेगा, बाहर नहीं लगेगा फिर उसको। तो इसलिए यहां महर्षि पतंजलि ने इसको एक विकल्प के रूप में दिया है प्राणायाम को, चित्त को निर्मल करने के लिए, चित्त को प्रसन्न करने के लिए, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, एक उपाय दिया है। कई उपाय बताए ना, तो ऐसे ही ये उपाय है एक। तो पहले जैसे चित्त को, वृत्तियों को रोकने के लिए, समाहित करने के लिए सबसे पहला उपाय बताया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, दूसरा बताया ईश्वर प्रणिधानात् वा, तीसरा विकल्प आया प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। तो मुख्य रूप से ये तीसरा उपाय है। पहला है ज्ञान की स्थिति में रहो, अपने चित्त को हमेशा उच्च विचारों से, उच्च भावों से युक्त करने के लिए यत्न करते रहो। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है, वही अभ्यास है। झाड़ झंखाड़ को हटाते रहो, वही वैराग्य है। चाहिए नहीं अपने को फालतू की चीजें, जहां तक हो सके इंडिपेंडेंट बने, डिपेंडेंट ना बने। हम बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, स्थान के डिपेंडेंट हैं,
उस स्थान में जाएंगे तो हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, इस स्थान में अच्छी नहीं होगी। तो ये तो डिपेंडेंसी होगी ना हमारी। वो व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो हम खुश रहेंगे, और हमारे साथ वो व्यक्ति अच्छा व्यवहार ना करे तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति की डिपेंड हो गई। तो वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आप आश्रम में रहते हैं तो जो आपके व्यवस्थापक हैं, जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके आचार्य हैं, वो यदि आपके साथ प्रीति का व्यवहार करें तो ठीक है, नहीं करें तो फिर दुखी हो जाएंगे। तो डिपेंड हो गई। कभी आहार के डिपेंड हो जाते हैं, प्रवास आदि पे जाते हैं तो जी हमें दूध तो मिलता ही नहीं है यहाँ पे, तो दूध मिले तो हम ठीक रहेंगे, दूध ना मिले तो परेशान हो जाएंगे। सब्जी ऐसी हरी वाली मिले तो ठीक है, रोज आलू आलू बना देंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो हमारी डिपेंडेंसी ना बहुत ज्यादा रहती है बाहर की चीजों पे, बहुत हम आत्मनिर्भर नहीं होते, दूसरों पे निर्भर होते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को थोड़ा स्वावलंबी और सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति में मैं एडजस्ट कर लूंगा तो फिर उसके दुख कम हो जाएंगे। और इंटरडिपेंडेंट भी होना चाहिए। एक तो डिपेंडेंट हो गया, एक इंडिपेंडेंट हो गया, एक शब्द है इंटरडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट तो दुखी होता ही होता है, और इंडिपेंडेंट भी कुछ होते हैं। बोले मेरे को इनकी किसी की परवाह नहीं, जो मेरे मन में आएगा सो करूंगा, तो ये भी समाज में चलता नहीं है। क्योंकि आप जहां रह रहे हैं वहां के रूल रेगुलेशन कुछ तो होते ही हैं, उस समाज के, उस स्थान के, तो मानने ही पड़ेंगे। तो वो जो इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं ना आज, वो स्वच्छंदता होती है। फिर स्वच्छंदता में सुख नहीं है, इसलिए क्या होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए। भाई हम यहाँ गुरु ने बता दिया, जो गुरु ने जो नियम बना दिए उसको मानेंगे और उसमें परम प्रसन्न रहेंगे। तो फिर ये सारे काम हमारे को ना अंतर्द्वंद की स्थिति में नहीं लाएंगे फिर। ठीक है, जिस जो भगवान ने आज के लिए सेवा भेजी है उसको करेंगे प्रसन्नता से, और प्राणायाम करेंगे, प्राण शुद्ध रहेगा तो केंद्र में फिर ईश्वर ही रहेगा। तो व्यक्ति को कोई भी काम बाधा नहीं देगा, कोई भी स्थान बाधा नहीं डालेगा, कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं डालेगी, वो कहीं भी रह करके साधक बन ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ा उपाय है प्राणायाम। ऐसा नहीं है जी हमारी तो दिनचर्या में लगा दिया तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये महर्षि पतंजलि ने बहुत विशेष साधना करके, एक विशेष विज्ञान की खोज करके हम सब के लिए दिया है। और परम कृपा श्रद्धे स्वामी जी महाराज की, जो उन्होंने उस परंपरा को दोबारा जिंदा कर दिया है। नहीं तो बस केवल हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे बहुत लोगों ने पढ़ा हमारे से पहले, किया नहीं किसी ने। अभी तो हालत यह है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी कर रहे हैं। योग दर्शन थोड़ी पढ़ा उन्होंने, भाष्य भी नहीं पढ़ा, व्यास भाष्य भी नहीं पढ़ा, लेकिन कितने लोग कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही वो सो रहे हैं, डिप्रेशन में थे वो प्रसन्न चित्त हो रहे हैं, तो उनका चित्त प्रसन्न हो गया ना। कितने लोग बताते हैं यहाँ पे, जी मेरे को इतने साल से डिप्रेशन में था, गोलियां खा रहा था, यहाँ के 10 दिन से कर रहा हूँ, अब अच्छी सी नींद आती है, बड़ा खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। तो इस प्राणायाम का प्रभाव शरीर पे भी पड़ता है, मन पे भी पड़ता है, हृदय पे भी पड़ता है, क्योंकि सारी प्रवृत्तियों के मूल में प्राण ही है। इंद्रियों की प्रवृत्तियों के मूल में मन है, मन के बिना कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती है, और मन की भी प्रवृत्ति के मूल में प्राण है, मन भी प्राण के बिना कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। तो बड़ा अचूक उपाय है ये। तो इन्होंने कहा कोष्ठस्य वायो, जो उदरस्थ वायु है, कोष्ठस्थ वायु है, उसको नासिका पुटाभ्याम दोनों नासांद्रों से प्रयत्न विशेषात, प्रयत्न विशेष पूर्वक वमनम, भार फेंकना, इसको कहते हैं प्रच्छर्दनम, और विधारणम माने विशेष रूप से धारण करना, और जिस गति से भार फेंकेंगे उसी गति से बाहर आती है, विशेष धारण। इसलिए यहाँ धारण नहीं कहा, विधारण, विधारण माने विशेष रूपेण धारणम,
कुछ कह रहे हैं विनोद जी? नहीं नहीं कपाल भाती नहीं है, मतलब कोई भी श्वास की क्रिया आप विशेष रूप से धारण कर रहे हैं और विशेष रूप से प्रच्छर्दन कर रहे हैं, तो ये जो परिभाषा है ये कपाल भाती में भी लागू हो रही है, भस्त्रिका में भी लागू हो रही है, अनुलोम विलोम में भी लागू हो रही है, बाह्य प्राणायाम में भी लागू हो रही है, सब में। तो बस इसका मुख्य प्राणायाम की परिभाषा यही है हिंदी में कि जो सामान्य गति चल रही है प्राण की, उससे हट करके जो भी गति होगी प्राण की उसको कहेंगे प्राणायाम। तो ये सब में लागू होगी। तो विशेष धारण, तो मैं बात ये कह रही थी कि छोड़ने की प्रक्रिया विशेष होनी चाहिए। प्राण को छोड़ते हैं ना, महाराज जी तो बताते ही हैं कि जब आप उसको छोड़ रहे हैं तो विशेष रूप से वो मन करें, पूरा का पूरा छोड़ें, अंदर बचा के ना रखें, क्योंकि पूरा का पूरा बासी अशुद्ध बाहर निकालेंगे ना तो ही शुद्ध आएगा। शुद्ध प्राण तो भरा पड़ा है बाहर, पर हमारे अंदर कैसे आए वो शुद्ध प्राण? जब तक हम बाहर ना छोड़ें तब तक आई कैसे? तो इसलिए विशेष शक्तियां चाहिए किसी को, तो वो पहले अपने पुराने वाली का त्याग करे। विशेष विद्या चाहिए थी ना महर्षि दयानंद को, तो उनके गुरुजी ने कहा पहले वाली जो पढ़ी है ना उसको फेंकाओ पहले, तब नहीं मिलेगी। क्योंकि पहले भरे हुए आओगे ज्ञान के अहंकार में कि मेरे को तो आता ही है सब, तो यहाँ कुछ सीख नहीं पाओगे फिर, इसलिए खाली होके आओ। प्राण से जब तक कोष्ठ खाली नहीं होगा तब तक शुद्ध वायु आ नहीं सकती है, और बीमार होगे फिर अशुद्ध वायु को लिए लिए घूमते रहोगे, तो अशुद्ध विचारों को अशुद्ध भावों को लिए लिए जीवन चला रहे हैं तो दुखी होंगे, मन रोगी होगा, अंतःकरण रोगी होगा। तो इसलिए उनको बाहर फेंकना है, और जितना कोई ज्यादा फेंकेगा उतना ज्यादा उसको मिलेगा। तो जिसको ज्यादा शुद्धि चाहिए, जिसको ज्यादा दिव्यता चाहिए, वो उतना ही ज्यादा त्याग करे। ये केवल प्राण का ही त्याग नहीं करना, कामनाओं का भी त्याग करे, सम्मान आदि की जो कामनाएं हैं उनका भी त्याग करे, अहंकार आदि की जो भावनाएं हैं कि मैं ही बड़ा हूं इसका भी त्याग करे। तो जिस मात्रा में त्याग किया जाएगा उस मात्रा में उसको मिलेगा। और जो अपने सर्वस्व का, अहंकार का, अस्मिता का त्याग करेगा उसे सर्वस्व मिलेगा। सर्वस्व मतलब ब्रह्म। तो हम कितना त्याग करते हैं। तो प्राणायाम के साथ साथ ये भाव भी रखना चाहिए कि मैं गले सड़े का, रोग शोक का, सब का त्याग कर रहा हूं, बुरे स्वभाव का, झगड़ालू स्वभाव का, डिप्रेशन वाले स्वभाव का, सबका त्याग कर रहा हूं, ऐसे छोड़े वो प्राण को। तो उसी परिमाण में फिर मेरे अंदर क्या आ रही है? पवित्रता आ रही है, दिव्यता आ रही है। तो ऐसा भाव करके करेगा तो चित्त अपने आप ही प्रसाद होगा ना, फिर निर्मल होगा ही। तो महर्षि पतंजलि बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज तो चित्त को खुश रखने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं कर रहा है, कहां कहां किसी क्लब की वो ले रहा है, क्या बोलते हैं, सदस्यता, कोई पैसे खर्च करके कुछ बना रहे हैं कि भैया इतने इतने पैसे खर्च हम इकट्ठे किया करेंगे, 500-500 रुपए, और फिर महीने में एक दिन उसको उड़ाया करेंगे, तो उससे मन खुश होगा। तो पता नहीं कितने साधन व्यक्ति ने अपना रखे हैं मन को प्रसन्न करने के लिए। पैसे भी घर में नहीं है तो भी बोले खाना नहीं खाएंगे हम 6 महीने, या एक समय खा लेंगे, लेकिन पैसे बचा बचा करके टीवी लाओ घर में। तो घर में जब टीवी आएगा उसको देखेंगे तो मन प्रसन्न होगा। वो एक अलग बात है कि वो प्रसन्न होगा कि ज्यादा दुखी होगा, वो दूसरी बात है। तो मन की प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम, मन की निर्मलता के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए। व्यक्ति की हर प्रवृत्ति उसी के लिए है। तो उसमें से एक उपाय क्या है? प्राणायाम। और इसलिए सब योगियों ने, सब महापुरुषों ने, श्री अरविंद ने अपनी संस्मरणों में लिखा कि वो 3-3 घंटे प्राणायाम का अभ्यास करते थे, सुबह शाम 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को।
अब भी विशेष रोगी योग ग्राम में आते हो, बताते जी हमने दो दो घंटे प्राणायाम किया, तीन तीन घंटे प्राणायाम किया। एक कोई माता बता रही थी कल, बोरी मेरी दिमाग की ना 6-7 नर्व्स ब्लॉक हो गई थी, डॉक्टरों ने कहा था कि ये जाएगा नहीं, माइग्रेन पेन था वर्षों से। फिर बोल मैंने दो दो घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, भ्रामरी उद्गीत किया, बोल सब खुल गई, ठीक हो गई। तो ऐसा चमत्कार होता है प्राणायाम से। तो उसको छोड़ने की हम कोशिश करें जीवन में। जीवन में जो व्यक्ति जितना त्याग करेगा ना उतना वो सुखी होगा, और जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करेगा उतना रोगी होगा, तन से भी और मन से भी और भाव से भी और हृदय से भी। इसलिए अपने ऊपर और भगवान के ऊपर, अपने सत्य के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपने कर्तव्य के ऊपर भरोसा करके आदमी को खुश होकर निश्चिंत होकर के जीना चाहिए। निर्भय चारों कूट विचरना, संभल संभल पग धरना। चारों दिशाओं में निर्भय होकर के रहो बस, लेकिन कदम संभल संभल के रखना, कहीं गलत रास्ते में नहीं रखना। तो कह रहे हैं ताभ्याम वा मनस स्थितिम संपादयेत। ताभ्याम काभ्याम, प्रच्छरदन विधारणाभ्याम, इसी से मन की स्थिति का संपादयेत। मन में स्थिरता लानी चाहिए, मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऋषि बड़े दयालु हैं, बोले इतना भी कोई कुछ नहीं करेंगे, कुछ जीवात्माएं प्राणायाम इतनी महिमा बताने के बाद भी करेंगे नहीं, उनको भी पता ही था कुछ तो निकलेंगे। तो अगला उपाय बता दिया, और एक बता दिया, पांचवा उपाय, चौथा उपाय, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी। मन की स्थिति को बांधने वाली, स्थिति मतलब कोई प्रशांत वाहिता, एकाग्रता, स्थिरता। तो मन की स्थिरता बनाने वाली या मन की प्रशांत वाही, मन को प्रशांत वाहिता में बांधने वाली विषयवती प्रवृत्ति वा उत्पन्ना, विषय वाली, विषय तो पांच ही हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उन विषयों से संबंधित जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है हमारे चित्त में, वो उत्पन्न हुई हुई प्रवृत्ति भी मन की स्थिरता को, मन की पवित्रता को बांधने वाली होती है, माने उसकी हेतु बनती है। जैसे नासिकाग्रे धारयत अस्य या दिव्य गंध संवित स गंध प्रवृत्ति, क्योंकि पांच विषय है ना, तो पांचों ही विषयों के बारे में बताएंगे। ये नासिकाग्रे धारयत है, जब ये नासिका के अग्र भाग पे धारणा करता है योगी, तो अस्य या दिव्य गंध संवित, जो इसको दिव्य गंध की अनुभूति होती है, कहते हैं कि नासिका के अग्र भाग पे धारणा करते हैं तो थोड़ी देर के बाद दिव्य गंध की अनुभूति होती है, अलौकिक गंध की अनुभूति होती है, उसको कहेंगे गंध प्रवृत्ति ही। जिह्वा अग्रे रस संवित, जिह्वा के अग्र भाग पर धारणा करें तो रस की अनुभूति होने लगती है, अलौकिक रस की, दिव्य रस की। तालुनी रूप संवित, अच्छा कभी कभी तो ये अनुभूतियां बिना धारणा के भी हो जाती हैं। मेरे को याद है, मैं तो छोटी ही होंगी, तब रही होंगी 8-9 वर्ष की, तो मैं पूजा कर रही थी एक दिन, तो वो जो गंध है वो, मतलब मेरे को स्मृति तो है वो कैसी गंध थी, लेकिन उसकी जैसी गंध, किसकी जैसी गंध थी वो नहीं बता सकते हैं। एक विशेष गंध थी, कोई धारणा नहीं की थी, और वो काफी देर तक रही, और फिर उसके बाद एक बार भी नहीं आई, उसको चाहा तो भी नहीं आई दोबारा। तो कभी तो ऐसे भी हो जाती है बिना धारणा के भी, तो ये धारणा करने से हो रही है। जिह्वा अग्रे रस संवित, जिह्वा के अग्र भाग पर धारणा करने से दिव्य रस की अनुभूति होती है। तालुनी रूप संवित, तालु में धारणा करने से रूप की, दिव्य रूप की अनुभूति होती है। जिह्वा मध्य स्पर्श संवित, जिह्वा के मध्य भाग में धारणा करने से दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है। जिह्वा मूले मूले शब्द संवित, इति एता वृत्तयः उत्पन्ना चित्तम स्थितौ निबध्नन्ति। जिह्वा के मूल में
माने कंठ में जब धारणा करते हैं तो शब्द संवित, दिव्य शब्द की अनुभूति होती है। तो ये जो वृत्तियां हैं, एताह वृत्तयः उत्पन्नः, जब ये इनमें से कोई एक या दो तीन चार या ज्यादा से ज्यादा पांच ये वृत्तियां जब उत्पन्न होती हैं तो ये चित्तम, चित्त को स्थितौ निबध्नन्ति, स्थिरता में बांध देते। चित्त तो अपने आप ही स्थिर हो जाएगा, ऐसी कोई अलौकिक अनुभूति होगी जब तो चित्त तो वहां ठहर ही जाएगा ना। संशयम विधमंती, और संशयों को जो हमारे अंदर संशय थे उनका नाश करती है ये अनुभूति, अपसारयन्ति। समाधि प्रज्ञायां च द्वारी भवन्ति, और जो समाधि प्रज्ञा, समाधि में उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा अर्थात विवेक ख्याति, समाधि में तो विवेक ख्याति उत्पन्न होती है ना, तो विवेक ख्याति के लिए ये द्वार बन जाती है, माने साधन बन जाती है। जब व्यक्ति को ऐसी ऐसी अनुभूतियां होंगी तो फिर वो आगे समाधि लगाने के लिए भी तो बढ़ेगा ना, तो समाधि के लिए ये एक दरवाजा, एक द्वार बन जाती है, उधर भी पहुंचाएगी फिर हमें। एतेन चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रत्नादिषु प्रवृत्ति उत्पन्ना विषयवती एव वेदितव्या, और जैसे ये पांच विषय बताए, इन वृत्तियों से ये भी पता लग रहा है कि ये केवल पांच इंद्रियों के विषय हैं, उन्हीं पर ही ये धारणा करने से ये प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती है, उन पांच इंद्रियों से अतिरिक्त बाहर भी चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप और रत्नादिशु, इनके ऊपर भी जब हम धारणा करते हैं तो जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उन प्रवृत्तियों को भी क्या कहेंगे, विषयवती एव वेदितव्य, उनको भी विषयवती प्रवृत्ति ही जानना चाहिए। तो ये समय हो गया, अभी आधा सूत्र बच गया, तो इसको हम कल पूरा करेंगे, आज ही विराम देते हैं। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः।